सो व्हाट्सअप सर्वाइवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार कैसे हो आप लोग? तो यार आ चुके एक और राफ्ट सर्वाइवल के एपिसोड में। एंड यहाँ पे यार जैसे कि तुम लोग को पता था, मैं अलग ही वर्ल्ड में आ चुका हूँ। आई मीन सोलो में मल्टीप्लेयर कह रहा हूँ। फिलहाल हम लोग उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मेरे को फ्रेश स्टार्ट करना पड़ा। तो यहाँ पे बोट और पैरासोर मैंने नया टेम किया। एंड यहाँ पे यार ग्राइंड करके अपना रिसोर्स जो था वो भाई 3 दिन से ग्राइंड करा, खेलने का मूड ही नहीं हो रहा मेरा, बहुत ज़्यादा ऑफ हो चुका है। बिकॉज अपना जो पैरासोर एंड डिलोफो वगैरह बोट है वो उस आइलैंड पे है। फिलहाल मैं तुम लोग को बाद में दिखा दूंगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ तुम लोग को कि मेरा लेवल जो है 24 हो चुका है। बिकॉज पता नहीं क्या खेल रहा हूँ, कौन सा मोड। आई मीन एक कैजुअल होता है, एक सर्वाइवल होता है, एंड एक तीसरा क्या होता है नाम नहीं याद आ रहा। उसमें मरने से यार तुम्हारा लेवल चल जाता है, तो मेरा वही 100 से यार इतना लेवल हो गया। आप इसी से कंटिन्यू कर रहे हैं जब इतना हो ही गया। तो भाई एक सेकेंड, ट्राइक का सैडल असेंडेंट का वो भाई सब हाइट देख रहे हो कितना लग रहा है। भाई फेंक दो यार, नहीं चाहिए मेरे को। ओके तो यहाँ पे यार अभी मेरे को इस एपिसोड में 2-3 काम करना है। तो पहले यार हम लोग बोट हाउस बनाएंगे, जो कि पूरा नहीं बनाएंगे बिकॉज उतना रिसोर्स नहीं है मेरे पास। ग्राइंड करते करते यार मूड ऑफ हो रहा था, तो मैं खेल ही नहीं रहा था उतना ज़्यादा। फिलहाल पैरासोर किसी तरह टीम कर लिया। एंड यहाँ पे आज हम लोग को स्पाई ग्लास बनाना है एंड एक रैप्टर टीम करना है। फिलहाल यहाँ पे बोट हाउस बनाने के लिए मैंने 2-3 चीज़ यहाँ पे रखी है, बेसिक सामान, ठीक है। ये जो देख सकते हो ये क्या बोलते हैं, एक फाउंडेशन है, आई मीन फेंस फाउंडेशन है। एंड यहाँ पे एक पिलर है, तो उसकी हेल्प से मैं कर दूंगा। एंड यहाँ पे मेरे को ये भी बनाना है अपना स्पाई ग्लास, तो मैं अनलॉक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखो मैंने अनलॉक से कर रखा है। ओके ये देखो, सो अभी अभी मेरे पास इसके लिए यार सारा रिसोर्स है, बस मेरे को क्रिस्टल चाहिए। तो क्रिस्टल के मैं देखता हूँ कहाँ से जुगाड़ करूँ, या तो माउंटेन में जाऊँगा या तो हंटर के में जाऊँगा, दोनों में से कहीं तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुम लोग को पहले बोट हाउस बनाने के लिए ऐसे करके तुम लोग को ये झंडा हटा देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि यार तुम लोग को एक परफेक्ट लाइन मिल सके, ताकि तुम लोग फेंस फाउंडेशन लगा सको। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने फेंस फाउंडेशन ऐसे करके लगाया है, ठीक है। तुम लोग भी लगाओगे तो ईजिली लग जाएगा, उतना कुछ नहीं है। ये बीच में जो लाइन रहता है उसी का जस्ट लाइन देख के लगा दो। तो ये देख सकते हो यार अपना स्ट्रेट में लग चुका है एकदम अपना फेंस फाउंडेशन। अब क्या करना है तुम लोग को, जस्ट अपना एक पिलर लेना है एंड इसके बीच में लगा देना है, ठीक है। एंड आई मीन एंड में लगा देना है अपना फेंस फाउंडेशन का, तब आपका यार सारा चीज़ लग जाएगा। एक सेकेंड मैं ये बना के रखा हूँ, आई मीन एक सेकेंड, मेरे को ये बनाना पड़ेगा अपना वुडन फाउंडेशन। भाई मैं वुडन फाउंडेशन नहीं बना के यार ये बना के रख दिया, कोई नहीं। चलो तुम लोगों को दिखा देता हूँ मैं कि कैसे लगाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड थैच चाहिए और ओके तो मेरे पास यार जितना रिसोर्स था फिलहाल मैं उतना का बना चुका हूँ अपना वुडन फेंस फाउंडेशन, ठीक है। सो अभी तुम लोगों को क्या करना है, जस्ट ऐसे लेना है एंड इजीली तुम लोग का यार अपना बोट के नीचे में लग जाएगा, ठीक है। अगर ये स्टोन या मेटल का रहता तो तुम लोग को समझ में आता है कैसे सरफेस पर लग रहा है, वुड से उतना समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देख सकते हो अब तुम लोग को ऊपर के साइड में 3 बार लगाना है ऐसे करके। एंड फिर क्या करना है, तुम लोग को ये दोनों को तोड़ देना है, ठीक है। अब ये दोनों का काम खत्म हो गया, अब तुम लोग का बाकी का सारा चीज़ ईजिली लग जाएगा, ठीक है। सो ये ट्रिक यार मैं बहुत ज़्यादा खोजा तब जाके मेरे को मिला, भाई लगता ही नहीं था। कभी कभी तीनों में पूरा साइड में एक साइड छूट जाता था। फिलहाल एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को और 3 चाहिए। ओके रिसोर्स और है मेरे पास, फिलहाल देख लेता हूँ मैं, रुक जाओ बना लेते हैं। ओके 2 और बन रहा है ना, 2 से काम बनेगा कि मेरे को 3 चाहिए। एक सेकंड 2, हाँ 2 से काम बन जाएगा। ओ भाई गलती लग रहा है, एक सेकेंड एक और चाहिए। ओके तो ये देख सकते हो यार तुम लोग आराम से हम लोग का यार बोट हाउस बन चुका है। एंड इसको और एक्सपैंड करना है तो तुम लोग को यार एक ये लगाना पड़ेगा सीलिंग, ठीक है। तो मैं सीलिंग लगा के इसको एक्सपैंड कर दूंगा। फिलहाल अभी रिसोर्स कलेक्ट करने का मैं कहीं एकदम मूड नहीं है, बिकॉज भाई बहुत ज़्यादा रिसोर्स कलेक्ट किया था इसके पिछले एपिसोड में एंड भाई सारा वेस्ट चल गया, तो मेरे को करने का मन नहीं कर रहा। पर फिर भी मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ कि सीलिंग कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड मेरे पास रिसोर्स नहीं होता ना वुड, वुड मैं ले आता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, उसके बाद तुम लोग को दिखा देता हूँ कैसे करना है। ओके फिलहाल यहाँ पे यार मेरे से 7 ही बन पाया अपना ये सीलिंग। अब भाई मेरे को मन नहीं कर रहा यार, अब क्या ही करें। सो यहाँ पे देखो तुम लोग को क्या करना है, जस्ट ऐसे करके तुम लोग को इसके फ्रंट में लगा देना है। एंड एक सेकंड रुक जाओ मैं बोर्ड पे चढ़ जाता हूँ, उसके बाद तुम लोग को अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। एंड ये जो सीलिंग देख रहे हो ना, आई मीन मैं अभी लगाया जो एक, एंड उसके बाद भी लगता है। फिलहाल मैं उसको उसके ऊपर आई मीन एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि भाई और कैसे इसको एक्सपैंड कर सकते हैं पिलर वगैरह लगा लगा के, ठीक है। तो वो ऐसे पीवीपी में काम है, यहाँ पे पीवीपी आई मीन पीवीपी तो नहीं खेल रहा हूँ मैं, तो उतना मेरे को बनाने का ज़रूरत नहीं है। बट मैं ऐसे ही जस्ट एक बड़ा बेस बनाने के लिए ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अभी मैं लगा देता हूँ, ठीक है। सो एक सेकंड रुक जाओ यहाँ पे, एंड एक और, एंड यहाँ पे देखो ये भी लग जाएगा। एंड ये मत समझना कि यार अब तुम्हारा ये जो वॉल्स वगैरह हैं वो नहीं लगेंगे, आराम से लग जाएंगे। बीमत लगाना चाहते हैं तो वो भी लग जाएगा। एंड एक सेकेंड यहाँ पे भाई इतने ही लगा पाया, अच्छा कोई नहीं। तो मैं बाद में यार ऑफलाइन में कर दूंगा, ठीक है। अभी मूड मेरा वैसे ही नहीं कर रहा यार, 3 दिन से खेल जा रहा मैं, क्या ही कर सकते हैं, पूरा वो न्यू से स्टार्ट करना पड़ा, अब क्या ही करें। तो यहाँ पे देखो अभी मेरे को फिलहाल जाना है एंड पैरासोर वगैरह को टीम करना है, पैरासोर नहीं आई मीन रैप्टर वगैरह को टीम करना है।
तो यहाँ पे मैं अपना पैरासोर को लेके जाऊँगा, बिकॉज ये भी पैरासोर थोड़ा सा हाई लेवल का है तो ठीक ठाक ही रहेगा। एंड यहाँ पे मोर्टल पिस्टल में मैंने थोड़ा सा ये बना के रखा है नार्कोटिक, एंड अपने पास ट्रैंकलाइजर भी है, ठीक है। तो अभी शायद से देखते हैं शायद से रैप्टर टीम कर सके हम लोग, बिकॉज इसके पिछले बार में हम लोग टीम करने गए थे तो भाई वो इतना मेरे को मार खाया है, मैं कितना बार मरा हूँ मेरे को ही पता है फिलहाल। तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रैंकलाइजर अपना बन के रेडी हो चुका है, एंड 8 ट्रैंकलाइजर शायद से इनफ हो। एंड यहाँ पे हम लोग ये भी बना लेते हैं, रुक जाओ, अपना आर्मर भी बना लेते हैं अगर मेरे पास इतना हाइट ही है तो, ताकि यार बेटर रूट जो रहता है वो परशूट कंप्लीट हो एंड अपना लेवल अप भी हो सके। ओके, तो यहाँ पे यार हम लोग थोड़ा सा अपग्रेड होते हुए अपना हाइट का ड्रेस के साथ, फिलहाल उतना तो नहीं है आर्मर, बट हाँ फाइबर से अच्छा ही है। एंड यहाँ पे मैं एक और परशूट भी कंप्लीट कर लेता हूँ तुम लोग का। अपना बेटर रूट कहाँ है? ओके ये है ना, एक सेकेंड रुक जाओ, ऑन नहीं होता ऐसे भाई, पता नहीं क्या होता, हमेशा यही ग्लिच होता है, मैं ऑन करता हूँ फिर ऑन ही नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो अपना बेटर रूट का जो परशूट है ये कंप्लीट हो गया, एंड अपने आपको अपने को एक्सपी भी मिल गया, और भाई अपने को एक बूट भी मिलेगा जो कि असेंडेंट का अच्छा खासा रहता है, ये देखो। सो ये बूट यार तुम लोग ज़रूर यूज़ करना, बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा आर्मर रहता है, मैं पहले जानता नहीं था बट यार इसका सच में बहुत अच्छा आर्मर रहता है, इसको यूज़ किया करो। चेस्ट प्लेट देते तो यार उतना अच्छा ही रहता, बट क्या ही करें। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मेरे को अभी एक दो काम करना है, तो उसके लिए मेरे को पहले ये करना पड़ेगा, अपना एक बेड बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग जाते हैं एंड अभी मर ना जाए। फिलहाल मेरे को रैप्टर टीम करने जाना है एंड क्रिस्टल का भी खोजना है, तो ओके कोई नहीं, यहाँ पे मेरे पास इनग्राम पॉइंट नहीं है, तो चलो यार कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन ले लेंगे। वैसे भी यार बेड का क्या ही जरूरत है, हेल्थ एंड वगैरह बाकी सारा चीज़ तो जाएगा ही, अपना पैरासोर भी मर जाएगा अगर भाई हम लोग मर गए तो। कोई नहीं यार, चलो चलते हैं एंड देखते हैं यार, एक अच्छा खासा रैप्टर अगर मिल गया हम लोग को तो सही है, वरना भाई देखेंगे कहीं और जाएंगे। मैं हंटर केव के पास में तो बहुत सारे भरे पड़े रहते हैं। यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ भाई, क्या गंदा लैग हो रहा, एक सेकंड भाई, पता नहीं यार मैप खोलने का अलग ही लैग होता है, चलो कोई नहीं। सो यहाँ पे मेरे को पता नहीं भाई अभी क्रिस्टल वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब देखते हैं। अपने पास पैरासोर है एंड अपने को भाई मेन अभी रैप्टर टीम करना है, तो देख लेते हैं अभी, ठीक है। एंड क्रिस्टल मिल जाएगा तो भी सही है, एंड रैप्टर मिल जाए तो भी सही है, दोनों में से एक चीज़ मिलना चाहिए। यहाँ पे ये आइलैंड मैं देखा नहीं हूँ भाई, इतना दिन आर्क खेला पर इतना भी नहीं पता मेरे को ये आइलैंड में क्या क्या होता है, अब क्या ही करें यार। अपने पास देखो मेन मेरे पास पैरासोर है ना, तो मेरे को अभी इतना है भाई कि हाँ मैं जाके रैप्टर से लड़ सकता हूँ, बिकॉज अपना जो पैरासोर है वो मेरे को बचा लेगा, उसका हेल्थ 1K से ऊपर है तो शायद से वो बचा ले, ठीक है। एंड एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे मेरे को भाई कार्नो का आवाज़ आ रहा है भाई, कार्नो से मेरे को डर लगता है यार, सच बता रहा हूँ। कार्नो भाई अभी नहीं आना चाहिए अर्ली गेम में, बाद में यार वो लोग उतना प्रॉब्लम नहीं देते, बट भाई अभी स्टार्टिंग में मेरे पास भाई मूवमेंट स्पीड भी नहीं है उतना, पैरासोर उतना स्पीड में चल रहा, आई मीन एक सेकेंड रुक जाओ, यही आसपास ही यार पता नहीं। ओ भाई भाई कार्नो मिलना था यार भाई, अल्फा कार्नो मिल गया भाई, मेरे को लगा कार्नो है ये नॉर्मल, तुम लोग वो देख सकते हो। एक सेकेंड भाई, ये लोग उंगली क्यों करने आते हैं मेरे को पता नहीं चलता भाई, ट्राई तू निपट ले भाई इससे। ओके मेरे को भी मार दिया थोड़ा सा ट्राई, कोई नहीं यार चलो कम से कम वो तो निपट रहा है वो, देखो फिलहाल वहाँ पे देखो यार अल्फा कार्नो मिल गया भाई, इतना हार्ड आई मीन मैं हार्ड कह रहा हूँ तो भाई इतना हार्ड दे दोगे यार अल्फा कार्नो अभी से, भाई मैं नहीं लड़ सकता यार, मेरे को बोट लेके इस आइलैंड से निकलना पड़ेगा भाई, कहीं मेरा बेस तक आ गया ना। मैं जब एकदम स्टार्टिंग में यूट्यूब जब खोला था तब मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ था, इजी में मेरे को यार एक अल्फा रैप्टर मेरे बेस के पास में आ गया था, एंड भाई मेरा सारा डायनोस सारा बेस मेरे को सारा चीज़ तोड़ के रख दिया था। अब क्या ही बोल सकता हूँ मैं भाई, उस टाइम मेरे को इतना नॉलेज नहीं था कि भाई हाँ मैं उस अल्फा रैप्टर को मार सकता हूँ, बट उस टाइम मैं थोड़ा बहुत डरता था। फिलहाल कारणों से तो अभी भी मैं डरता हूँ, बिकॉज अभी मेरे पास कुछ है नहीं मारने के लिए, ना ही एरोज़ है ना ही कुछ है फिलहाल वहाँ पे, इसके पहले मैं ये करके रख लिया था। एंड यहाँ पे देखो ये अपना हर्ट जो है, ये भाई मैंने सबसे पहले बनाया था जब ये स्टार्ट कर रहा था सीरीज राफ्ट सर्वाइवल का। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा कुछ है ही नहीं, मैं कुछ एक्सेस ही नहीं कर सकता, ना डिमोलिश कर सकता हूँ, पता नहीं यार क्या ही हो रखा है यहाँ पे। एंड डिमोलिश देख सकते हो 6 घंटा में हो जाएगा। अब एक सेकेंड बैग यूज़ कर सकता हूँ मैं, ओ भाई साहब चलो कोई नहीं, यहाँ पे बट रिस्पॉन्स नहीं ले सक रहा था मैं, बट पता नहीं क्या है प्रॉब्लम। यहाँ पे ये देखो सो सकता हूँ मैं, बट सोऊंगा नहीं, चलो अभी क्या ही सो के करेंगे। अभी मेरे को यार इस आइलैंड से निकलना है, बिकॉज भाई यहाँ पे अल्फा कार्नो है एंड भाई मैं ये नहीं चाहता कि भाई वो आके मेरा सारा चीज़ डिस्ट्रॉय कर दे, तो इस आइलैंड से निकलते हैं अपने पैरासोर को लेके। एक बार तो भाई मैं ऐसे ही देख लिया कि मेरा भाई पैरासोर वगैरह सारा चीज़ चल गया, अब मैं दूसरा टाइम नहीं खोना चाहता। सो एक काम करते हैं पैरासोर को लेके एंड अपना जो रिसोर्स वगैरह उन सब को लेके यार यहाँ से निकल जाते हैं, तो इसके लिए मेरे को एक बनाना पड़ेगा स्टोरेज बॉक्स, एंड स्टोरेज बॉक्स में मैं सारा चीज़ रख के यहाँ से निकल जाता हूँ। एंड उसके बाद चलते हैं यार देखते हैं हंटर केव के पास में चलते हैं, वहाँ से मेरे को क्रिस्टल एंड रैप्टर दोनों मिल जाएंगे तो वो सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं रिसोर्स रख लेता हूँ, ओके
तो ये अपना स्टोरेज बॉक्स लग गया एंड यहाँ पे मैं ये भी कर लेता हूँ, रुक गया लेवल अप हेल्थ में सही रहेगा। ओके तो अभी मेरे को एक चीज़ और बनाना है, बेड, एंड बेड के लिए मेरे को वुड चाहिए ना। ओके कोई नहीं, वुड मिल जाएगा अपने को, यहाँ पे बेड भी लगा लेंगे। ठीक है तो यहाँ पे मैं रिसोर्स ट्रांसफ़र कर देता हूँ एंड उधर का भी रिसोर्स ट्रांसफ़र कर देते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड। ओके फिलहाल इस आइलैंड से निकल चुके हैं, बट यार तुम लोग को एक चीज़ दिखाना था, ये देखो तुम लोग शायद उस टाइम नहीं देख पाए होगे, फिलहाल रुक जाओ एक सेकंड, मेरे को दूर हटने दो, ये देखो। तो यहाँ पे भाई अल्फा कार्नो कैसे आया भाई, ये इतना हार्ड में क्यों है यार, सच बताओ तो अभी मैं लड़ भी नहीं पाऊँगा यार अल्फा कार्नो से, तो निकलना ही बेहतर रहेगा यार। अभी चलते हैं अपना यहाँ पे हंटर केव के पास में, वहाँ पे देखो हम लोग को दोनों चीज़ मिल जाएगा, एक क्रिस्टल भी मिल जाएगा हंटर केव के अंदर से, एंड हम लोग का रैप्टर भी वहाँ पे बहुत सारे घूमते रहते हैं, एक हाई लेवल का रैप्टर पकड़ लूँगा तो सही रहेगा। ठीक है सो यहाँ पे अभी एक और काम मेरे को करना है, ये जो कुलबोजो मोल्टिस, क्या नाम है इसका, नाम ही याद नहीं आता मेरे को यार, मैंने कभी इसका पढ़ने का नाम कोशिश नहीं किया, कुछ सी से नाम है, सिलेंड्रिया ना क्या नाम है पता नहीं। सो इनको यार जब भी दिखे ये कॉर्नर पे ना, तो इनको मार लिया करो, बिकॉज जो टेमिंग के लिए यार तुम लोग का बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, क्योंकि देखो नार्कोटिक वेस्ट करोगे तो यार नार्कोटिक ऐसे ही वेस्ट होते रहेंगे। तुम लोग जब भी देखोगे इनको मार देना एंड भाई इसे बायोटॉक्सिन निकाल लेना, ये बहुत ज़्यादा टॉर्पर देते हैं एंड तुम लोग को नार्कोटिक वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। सो फिलहाल यहाँ पर मैं बो एंड एरो से इनको मार लेता हूँ, ताकि यार मेरे को रैप्टर टेमिंग में काम आ सके। ठीक है तो एक सेकंड दिए, देखो भाई लाइट कितना है यार इसका, सच में अगर टीम होता ना तो भाई इसको लाइट के लिए यूज़ करते ज़्यादातर लोग, भाई लाइट से ही देता है ये, भाई नहीं चलो यहाँ पे ये लगा लेता मैं एंड इनको मार लेता हूँ। ठीक है एंड उसके बाद तुम लोग से डायरेक्ट मिलता है यार हंटर केव के पास में, बिकॉज अभी मेरे को बहुत सारा चीज़ अपना इस पर लगाना है बोट पे एंड बहुत सारा अपग्रेड करना है, तो वो सब कर लेता हूँ मैं। ओके तो भाई यहाँ पे फिलहाल ऑफलाइन में मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। ठीक है एंड यहाँ पे मैंने बहुत सारा नार्कोबेरी फार्म किया, ताकि यार नार्कोटिक बना सके, क्योंकि जब मैं स्पाई ग्लास बनाने गया था तब मेरे को एक रैप्टर भाई बहुत गंदा चेज़ किया, आई मीन 80 लेवल का था। फिलहाल देखो अभी मेरे पास इतने ही ट्रैंक एरोज है। ठीक है तो मैं अभी इसी जैसा प्रिपेयर किया हूँ वैसे ही कुछ करके जाऊँगा, तब जाके शायद से टीम हो सके, बिकॉज एक हाई लेवल का रैप्टर अभी टीम करने के लिए भाई शायद से नहीं हो पाएगा, बिकॉज बोला करूँगा तो भाई बोला से छूट जाएगा एंड अगर मैं उसका टॉर पर हाई भी कर देता हूँ तो भाई क्या पता वो भाग जाए, तो इसलिए यार मैं उतना नहीं करने वाला। एंड यहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे एंड भाई एक रैप्टर को टीम करेंगे, ताकि यार हम लोग आगे का भाई कर सके कंटिन्यू, बिकॉज भाई बहुत ज़्यादा हार्ड होते जा रहा है। मैं सच में तो यार मरते मरते बचा था एक रैप्टर से, अब क्या ही बताएं, इसलिए मैं जाना नहीं चाह रहा था, आई मीन बिना किसी इसका माउंट का, वो पैरासोर था कि भाई मेरे को बचा लिया। अभी कोई नहीं यार चलते हैं एंड उस रैप्टर को मैं दिखाता तुम लोग को कि भाई वो 80 लेवल का रैप्टर है एंड उसको हम लोग टीम करने वाले। फिलहाल भाई भागते भागते वो यहीं तक आया था, आई मीन ये सामने वाला आइलैंड तक आया था, अब देखते हैं वो कहाँ पे, पता नहीं सबको चेस करते रह रहा है, भगाते रह रहा है, अब मेरे को भाई पता नहीं, डर तो लग रहा है फिलहाल जाने में, क्या पता 80 लेवल का टीम हो सके कि नहीं, क्योंकि यार एक बार बोला करता हूँ तो उसका ड्यूरेशन ज़्यादा देर तक नहीं रहता वो होल्ड करके रखने वाला, अब देखते यार क्या होता है। ठीक है एंड यहाँ पे भाई पिरानाज ना आ जाए, बिकॉज इसके पहले क्रॉस करा था तो भाई पिराना, एक सेकंड भाई हट जाए यार यहाँ से, भाई कई पिराना आ गई ना भाई मेरा लग जाएंगे, वैसे बूट्स है मेरे पास तो भाई वो ज़्यादातर पैर में काटता है तो बूट्स मेरा अच्छा से प्रोटेक्शन दे देगा, बट फिर भी यार एक डर रहता है। तो यहाँ पे देख लो यहीं कहीं आसपास मैंने छोड़ के गया था उस रैप्टर को, भाई पीछा छोड़ा किसी तरह यार, वो एक पैरासोर को पीछे से चेज़ करने लगा था मेरे को छोड़ के, देखते अब कहाँ पे वो पैरा आई मीन रैप्टर, एक सेकंड यहीं कहीं था पता नहीं कहाँ गया, भाई ये लोग तो भागते ही रहते इधर उधर, पता नहीं कहाँ किसके पीछे चेस करते करते चल गया, रुक जाओ शायद से ऊपर के साइड में होगा, कहीं ना कहीं होगा वो मेरे को पता है। एंड 80 लेवल का देखो अभी तो मैं फिलहाल 80 का टीम कर रहा हूँ, बाद में अच्छा खासा हम लोग के पास सब चीज़ आ जाएगा मेटल का सामान, तब हम लोग यार एक हाई लेवल का टीम करेंगे। ठीक है तो यहाँ पे रुक जाओ एक सेकेंड, मेरे को रैप्टर का आवाज़ सुनाई तो दे रहा है, यहीं कहीं होगा, एक सेकेंड यहीं कहीं है सॉरी। तो यहाँ पे यार अभी एक सेकेंड भाई, ये पैरासोर कोई मार रहा है ना, ये 80 लेवल वाला ही ना, रुक जाओ एक सेकेंड, इसका 60 लेवल है, चलो कोई नहीं यार टीम कर लेते भाई, फिलहाल एक अकेला रैप्टर मिल रहा है तो भाई टीम करने में क्या आता है, आ जा भाई देख रहे हो कितना जल्दी आता है यार, एक सेकेंड ओके भाई फाइनली यार मैं भाई हर टाइम मार खा जाता हूँ तब जाके बोला होता है, चलो कहीं नहीं। अब देखो मेरे को जस्ट इसको भाई नॉक कर रहा है एंड मेरे को ये सीन नहीं चाहिए कि भाई लास्ट टाइम इसका टॉर पर हाई हो जाए एंड ये मेरे से भाग जाए, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है यार मेरे साथ, बोला छूटता है बस भागने लगते हैं ये लोग एंड भाग के भाई बहुत ज़्यादा दूर चल जाता है। फिलहाल देखते हैं अब मैं कब तक मैं नॉक कर सकता हूँ इसको, भाई जस्ट मारते रहना मेरे को एंड ज़्यादा नहीं, 60 लेवल का ही जल्दी नॉक हो जाएगा भाई, 10 एरो खा गया यार, कब तक नॉक होगा भाई और कितना, ओए भाई नहीं 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 प्लीज़ भाई मत भाग मत भाग मत, तेरी माँ की आँख भाई, पैरासोर हट भाई, वो भाग एक सेकंड,
फॉल डैमेज से मर गया क्या? क्या हुआ इसको? ओ भाई नॉक हो गया यार, मेरे को लगा फॉल डैमेज से मर गया, ये ऊपर से कूदा बस ये ऐसे भाई अचानक से लेट गया पता नहीं। चलो कहीं नहीं, तो इसको यार मैं जस्ट बायोटॉक्सिन दे देता हूँ एंड ये बीड वगैरह दे देता हूँ। एंड देखो यार बायोटॉक्सिन कैसे काम में आता है, इसलिए बोलता है जब भी यार जेलीफिश दिखे तो यार मार दिया करो, उससे बायोटॉक्सिन मिल जाता है, टेमिंग में ईजी होता है। सो अभी यार देखो यहाँ पे मेरे को इसको भाई अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, देखता हूँ मैं इसके लिए अगर स्पाइक वॉल बना सकता हूँ तो फिलहाल ठीक है। एंड यहाँ पे भाई बहुत सारे स्पाइनो एंड बहुत रैप्टर वगैरह घूमते रहते हैं, तो बस जस्ट मेरे को प्रोटेक्शन करना है इसका। एंड यहाँ पे देख सकते हो सैडल वगैरह सारा चीज़ मैं ले आया हूँ ताकि जैसे ही टाइम हो हम लोग इसको राइड करें। एंड यहाँ पे मैं पहला दिखा देता हूँ तुम लोग को कितना परसेंट हो रहा है एक बार खाने पे, ठीक है। एंड भाई मेरे को उसके बाद तो यार ऐसे ही अकेले ही टेम करना भाई, क्या करें यहाँ पे स्पाइनो वगैरह स्पॉन ना ले। एक सेकेंड, ओके 5% हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी टेम होगा, उतना लेट नहीं लगाएगा, तो मेरे को जस्ट वेट करना है यहाँ पे। एंड मैं देखता हूँ अगर ये स्पाइक वॉल लगा सकता हूँ तो देख लेता हूँ, एक सेकंड रुक देख ही लेता हूँ मैं स्पाइक वॉल लगता है कि नहीं, आई मीन मेरे पास रिसोर्स है कि नहीं शायद से। ओके हाइड एंड वुड, फिलहाल यार हाइड एंड वुड नहीं है मेरे पास, क्या ही करें। देखता हूँ भाई सामने में बोट रखा हुआ अपना, अगर जाके ला सकता हूँ तो मैं ले आऊँगा। फिलहाल मेरे को ये सीन नहीं चाहिए कि भाई ये डिस्पॉन ना हो जाए, बिकॉज आर्क में यही सीन चल रहा है कि भाई अभी डिस्पॉन हो जाता है जायरस अगर दूर जाते हो तो देखते हैं। अभी मैं जाके ला सकता हूँ तो ले आऊँगा, फिलहाल वेट कर लेते हैं यहाँ पे। एंड जस्ट मेरे को इसको अभी प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि यार दूसरे डायनोस आके इसको मार ना दे, यहाँ पे स्पाइनोस वगैरह घूमते रहते हैं तो बस उसी का डर है फिलहाल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ओके यहाँ पे अपना रैप्टर यार फाइनली भाई टेम होने वाला है। एंड मेरे को पता नहीं था भाई इतना ज़्यादा टाइम ले लेगा ये, फिलहाल यहाँ पे मैंने यार देख लिया था हॉस्टल्स कोई ऐसा नहीं है तो मैं जस्ट चार्जिंग फ़ोन छोड़ के यार चल गया था। एंड यहाँ पे यार देखो ये अपना टेम होने वाला है जस्ट, एंड यहाँ पे अभी जैसे ही टेम होगा यार इसको राइड करेंगे। एंड फिलहाल एक सेकेंड, वो क्या है गोना डॉन, ओके चोई नहीं, यहाँ पे और कोई घूम नहीं रहा वैसे देखा जाए तो, मैंने अभी सेफ एरिया है वैसे भी। एंड एक सेकेंड रुक जाओ, गोना डॉन का लेवल कितना है, मेरे को लेवल देखना है उसका, गोना डॉन भी टेम करेंगे हम लोग। एक सेकेंड कितना है, 190 सही है, आई मीन 200 है, 300 मैक्स रहता है बट 200 है, देखेंगे यार टीम कर लेंगे भाई। गोनाडॉन का स्टैमिना अनलिमिटेड होता है तो वो भाई बहुत अच्छा है, अगर आप आई मीन कुछ भी करना चाहते हो कहीं भी जाना चाहते हो तो भाई बहुत अच्छा है, उसको जरूर टीम करूँगा यार नेक्स्ट एपिसोड में भाई, वही अपना टारगेट है, अब देखते हैं ठीक है। फिलहाल ये अपना ओके, चलो रैप्टर भी टीम हो गया तो अभी इसको जल्दी सैडल लगाते हैं एंड भाई इसका राइड करके देखते हैं। एंड तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ भाई कि अपना मेटल वगैरह कहाँ से लाया मैं, ठीक है। तो मेटल भी मेरे को चाहिए क्योंकि देखो नेक्स्ट लेवल पे अपना फोर्ज वगैरह खुल गया है, तो मैं देखता हूँ मेटल का शायद सामान बना लूँ तब शायद से हम लोग को ईजी हो जाए थोड़ा बहुत। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे भाई बहुत सारे रैप्टर घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से मैं मेटल लाया, एंड ज़्यादा ऊपर जाओगे तो तुम लोग को क्रिस्टल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो वो देखो रैप्टर कितना लेवल का पता नहीं बट क्यों मेरे को मार तो रहे, दो दो रैप्टर हैं तो मार दूँ क्या मैं इनको, हाँ देखो 40 लेवल का एक रैप्टर है एंड दूसरा पता नहीं कितना का है भाई। प्योमिया बेचारा सोच रहा है भाई दोनों मिलके मार रहे हैं कहीं, ओ भाई का भाई भाग लो यार, ये भाई प्योमिया मरने वाला है भाई, मेरे पे चढ़ जाएंगे ये लोग, वैसे ही दो रैप्टर मैं दोनों को संभाल नहीं पाऊंगा भाई, यहाँ से चलते हैं ओके। तो देखो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को जस्ट यार मेटल लेके थोड़ा सा भागना है यहाँ से, बिकॉज मेरे को मेटल चाहिए यार फोर्ज वगैरह बनाने के लिए, स्मिथी बनाने के लिए यार 5 मेटल चाहिए। तो एक सेकेंड रुक जाओ, स्टैमिना खत्म हो गया इसका, तो मेरे को देखो थोड़ा सा मेटल मैं लेके जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे अभी मेरे को मेटल लेने जाना बट वहाँ पे रैप्टर्स हैं यार, क्या करें दिक्कत आ रहा है बहुत। रुक जाओ मैं घूम के जाता हूँ शायद से यहाँ वहाँ से चल जाएँ, आई मीन हम लोग क्या बताया ये लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं सच बताऊँ तो। एक सेकेंड यहाँ पे आसपास में होगा मेटल, यार मेरे को डर लग रहा है जाने में सच बता, तो कोई हाई लेवल का रैप्टर मिल गया ना भाई मेरे रैप्टर को फाड़ देगा, अभी टेम ही क्या हूँ मैं भाई, मर जाएगा मेरा रैप्टर बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा। ओके यहाँ भाई डिलोफो मर भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हो तुम लोग, 190 लेवल का भाई, इसको मार के मारूंगा भाई, मर जा तू भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत देते यार स्टार्टिंग गेम में, सबसे अब इनसे बदला लूँगा मैं। ओके सेफ लग रहा वो देखो, एक रैप्टर पैरासोर को दौड़ा रहा भाई, ये पैरासोर बहुत हरामी रहते हैं भाई, तुम्हारे पास ही लाके छोड़ेंगे किसी को भी। ये देखो भाई रुक जाओ पैरासोर, मैं तेरे को बचाता हूँ भाई, रैप्टर साथ तेरी माँ की आँख, रुक भाई। अबे नहीं भाई मेरे पे नहीं चढ़ना था भाई, रैप्टर बचा मेरे को, अबे मेरे को मार देगा भाई, 50 लेवल का है भाई, बचा ले प्लीज़। ओ भाई सब ओके भाई, मार दे उसको। ओह भाई चलो अपना रैप्टर कुछ काम किया भाई, मैं पैरासोर को बचा दिया। ये पैरासोर पता नहीं यार मेरे पास ही लाते हैं हमेशा, ये पैरासोर बहुत हरामी रहते हैं पता है, तो कोई भी उसको चेस करेगा ना तो भाई तुम लोग के पास ला के ही छोड़ते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं बट कोई नहीं। अभी मेटल लेके यार जल्दी से हम लोग को निकलना है यहाँ से भाई, बस और कोई नहीं आ जाए यहाँ पे भाई, यहाँ पे ये घूमते रहते हैं ना थेरिजिनोसॉर एंड बहुत सारे हॉस्टल घूमते रहते हैं यहाँ पे, डर लगता है इसलिए।
कोई नहीं, इतना मेटल काफ़ी रहेगा भाई, अभी निकलते हैं वहाँ से, मेरे को नहीं चाहिए भाई कोई मेरे को मार दे। एंड अपना रैप्टर को ऐसी हेल्थ लो हो चुका है, देख सकते हो उतना भी हाई लेवल का नहीं है ना अपना रैप्टर यार, इसलिए मेरे को थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। एक हाई लेवल का रैप्टर पकड़ लूँगा उसके बाद भाई कहीं भी घूम सकते हैं कम से कम यार। थेरिजिनोसॉर यार किसी को तो मार सके अपना रैप्टर। फिलहाल कोई नहीं, चलो यार अपने बेस पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट एपिसोड में आज देखेंगे हम लोग बना ले यार अपना रिफाइनिंग फोर्ज एंड हम लोग मेटल भाई मेटल का सामान बना सके, ठीक है। तब देखो स्वॉर्ड आ जाएगा ना मेरे पास, तब भाई इजी हो जाएगा। एंड फिर हम लोग देखेंगे टेरर बर्ड का हंट करने जाएंगे एंड उससे हम लोग को स्वॉर्ड मिलता है तो सही है, ठीक है। तो चलो यार आई होप सो आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगा हुआ तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना एंड नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड गुड बाय।